शनिवार को गढ़ गोमत खैर से बारात राया थाना क्षेत्र के बिहारी गांव में आई थी। जब बारात चढ़ रही थी तभी अचानक मारपीट और भगदड़ होने लगी, जिसमें एक फौजी घायल हो गया, जिसे नयति हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं बारात के भी 8 लोग घायल बताए गए हैं। राया थाना क्षेत्र के बिजहारी निवासी ओम प्रकाश की लड़की की बारात गढ़ गोमत खैर से आई थी। जैसे ही बारात गांव में चढ़ने लगी तभी गौरव के घर के समीप पहुंची तो गौरव फौजी बारात देखने के लिए घर के बाहर आ गया। उसी समय बारात में आपस में विवाद होने लगा, जिसमें गौरव बीच बचाव में पहुंचा तो गौरव घायल हो गया। गौरव के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि उनके भाई में बारातियों ने गोली मार दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि बारात और गांव के लोगों में मारपीट जमकर हो रही थी। पुलिस ने आधा दर्जन बारातियों को भी हिरासत में लिया है और वहीं अपनी अभिरक्षा में दूल्हा दुल्हन के फेरे कराकर दुल्हन को विदा करा दिया गया। जब ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बारात में फायरिंग तो हो रही थी लेकिन गौरव के मामूली चोट आई थी, कोई गोली नहीं लगी है और उसे नयति में भर्ती करा दिया गया था। 12 घंटे बाद उसे छुट्टी भी दे दी गई। गौरव के भाई ने हरि उर्फ हरीश, उपेंद्र उर्फ ओमा, देवेंद्र व देवा को अन्य अज्ञात 4 के साथ नामजद किया है। वहीं बारातियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शांतिपूर्वक बारात चल रही थी, तभी गांव के लोग बारातियों के साथ बदसलूकी करने लगे और उनके साथ 8 बारातियों को मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं बारात से एक राइफल और एक पिस्टल लाइसेंसी ग्रामीणों द्वारा छुड़ा ली गई। राइफल तो वापस मिल गई लेकिन पिस्टल अभी तक वापस नहीं मिली है। वहीं उन्होंने पुलिस पर एक तरफा कार्यवाही करने का भी आरोप लगाया है। शुभ नाम क्या है और किस गांव के निवासी हैं और क्या घटना हुई थी बिजारी में? मेरा नाम अजय चौधरी, गोमत का निवासी हूँ जी। हमारी बारात चल रही थी, लड़की पक्ष से हमारा कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। कुछ लोग आए गाँव के ही, उन्होंने हमारी बारात के साथ अभद्रता और मारपीट शुरू कर दी। वहाँ पे अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी मची, मेरे एक मित्र के पास उसकी लाइसेंसी पिस्टल थी, उसको वो भी छीन ले गए और हमारे 8 लोगों के सर बहुत चोटें हैं। उनमें से किसी एक व्यक्ति के पता नहीं कैसे चोट लगी, हमें तो पता नहीं। नहीं बताया जा रहा है उसको गोली मारी गई है? सर ये बिल्कुल निरर्थक और झूठी बात है सर। कोई गोली चली थी वहाँ? गोली बिल्कुल चली ही नहीं, क्योंकि आतिशबाजी भले चल गई है लेकिन गोली तो चली ही नहीं। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि मानी गोली मारी है, ये क्या है? ये सब हॉस्पिटल से रिपोर्ट मंगा लो आप, अगर गोली कैसी कोई घटना भई हो तो। हम तो सब खुद पीड़ित हैं। ये पिस्टल जो छुड़ाई है ये लाइसेंसी थी या गैर लाइसेंसी? लाइसेंसी पिस्टल थी सर। लाइसेंसी को छुड़ा लिया? लाइसेंसी को छुड़ा लिया है। अब वो किसके पास है, कहाँ है ये सर हमें तो पता नहीं, वो गाँव वालों ने छीनी, अब हम तो जानते नहीं उनको। ये क्या घटना हुई है जो? मैं सुल्तान सिंह, मेरा नाम है, बिजारी गांव का हूँ। और जो है बारात आ रही थी गोमत से बिजारी के लिए, बारात अच्छी तरह से खूब चढ़ी। बारात में गांव के किसी भी आदमी ने कोई भी बात नहीं की ऐसी। जब बाराती ज़्यादा उदम करने लगे, समझाने लगे, तो आपसे में झट सीने धक्का मुक्की। फिर एक बाराती ने और जो है वो जो गोली मारी या चक्कू मारी, इतना नहीं। अच्छा, तो फिर इसमें कौन घायल हुआ है? इसमें घायल हुआ है जो लड़की पक्ष से, उसका पड़ोसी फौजी लड़का है, वो छुट्टी अभी आया था, वो शादी। तो वो लड़की पक्ष से है या लड़की पक्ष का पड़ोसी है? लड़की पक्ष से पड़ोसी है। पड़ोसी है तो कहाँ पे बढ़ती है वो? वो नेती में था, अब तो छुट्टी आ रहा है।